प्लस तो केपलर्स के लॉ के केपलर ने तीन लॉ दिए थे ठीक है प्लैनेट्स के मोशन के बारे में। पहला लॉ ये था ना कि जितने भी प्लैनेट्स होते हैं वो सबके सब मूव करते सन के अराउंड में इन एलिप्टिकल पाथ। एलिप्स मतलब क्या होता है, जैसे वो जो एक बैंड आता है ना रबड़ का, सर्कुलर बैंड होता है वो, फ्रेंडशिप बैंड ऐसा होता है, उसको तुमने ऊपर से दबाया हल्का, दबाने से क्या होता है तो शेप ऐसी रहती ना, चपटी हो जाती है, ये शेप एलिप्स हो जाती है। तो उससे पहला क्या लॉ बोला था, ऑल प्लैनेट्स रिवॉल्व अराउंड सन इन एलिप्टिकल पाथ सन एट वन फोकस ऑफ एलिप्स। ठीक है पहला लॉ सन यहां पे होगा ये फोकस। फोकस दो होते हैं, यहां पे हो सकते हैं यहां पे भी हो सकते हैं, ठीक है दो फोकस होते हैं बस, खाली याद रखना शेप ऐसी होती है सन एट वन फोकस। और सेकेंड तो ये कहते हैं इसको ना, इसको बोला गया लॉ ऑफ ऑर्बिट। अगर ऐसा सवाल आ जाए राइट ऑन द लॉ ऑफ ऑर्बिट राइट ऑन द फर्स्ट चैप्टर का, तो हम लोग ऊपर का लिख के आएंगे। सेकेंड होता है लॉ ऑफ एरिया, लॉ ऑफ एरिया ये कहते हैं ना कि जो प्लैनेट्स होते हैं ना वो इक्वल एरिया स्वीप करते हैं इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है तो ऐसा ले सकते हैं प्लैनेट्स स्वीप आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये मान लगा रही एलिप्स ऐसा है सन है, ठीक है ये प्लैनेट यहाँ पर है, वो प्लैनेट यहाँ से यहाँ जाता है, ठीक है नजदीक होता है तो उसकी स्पीड बढ़ जाती है, ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाएगा ना, तो g m1 into m2 / r² इक्वल टू mv² / r हो जाएगा, स्पीड बढ़ जाएगी तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा, या दूर है तो ग्रेविटी का फोर्स कम है स्पीड कम होगी। अब अगर हमने इसको ज्वाइन कर दिया इस तरह से, यहां से यहां आने में टाइम लगा टी और यहां से यहां आने में भी टाइम लगा मान लो टी, यहां पे उसी टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करेगा स्पीड ज्यादा है, यहां पे उसी टाइम में कम डिस्टेंस कवर करेगा स्पीड कम। लेकिन अगर मान लो मैंने इसको ऐसे ज्वाइन कर दिया यहां से लेकर यहां तक भी, ठीक है इसको मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया, ये देखा जाए स्वीप का मतलब झाड़ू मारना होता है ना या ब्रूम करना, सोचो ऐसे करके एक झाड़ू है जो ब्रूम कर रहा है, तो ये वाला क्या हो गया एरिया स्वेप हो गया, ये इसका एरिया स्वेप, ये टाइम टी में ये टाइम एरिया स्वेप कैसा होगा सेम है। फिर होगी बात प्लैनेट स्वीप ऑफ इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सबको समझ में आ गई बात, डिस्टेंस वैरी हो सकता है टाइम के साथ स्पीड वैरी करती है एरिया वैरी नहीं करेगा, ये इसको कहते हैं लॉ ऑफ एरिया कहते हैं। हमको ना ये लॉस के खाली बस पढ़ना है हमारे बोर्ड एग्जाम में, बोर्ड परीक्षा में टॉपिक हट चुका हुआ है, नेट में भी अगर ये आता है
तो आपको इसमें सिर्फ बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही आते हैं, ठीक है, नहीं से बेसिक बेसिक क्वेश्चन आएंगे। तो प्रूफ अगर करने बैठेंगे ना तो प्रूफ हम लोग करेंगे इसके, ठीक है, लेकिन आज नहीं करेंगे, ठीक है, तुम लोग अलग से पूरा पूरा देख लेंगे, इसको नोट कर जाना, ठीक है। और ये तीनों का जो प्रूफ है ना एक ही कंसेप्ट पर ही, वो मैं कंसेप्ट लिखा दूंगा मोमेंटम पर, उसके बाद नेक्स्ट है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट है लॉ ऑफ पीरियड। देखिए क्या कहते हैं, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड is proportional to cube of semi minor axis for the ellipse in which planet is. तो तुम लोग सोच रहे हो कि हम लोग तो पढ़ के रखे थे कि प्लैनेट मूव करते सर्कुलर ऑर्बिट पे, अब ये नई शेप कहाँ से आ गई एलिप्स, तो समझना है कि जो सर्कल जो हमने पढ़ के रखा है ना, दैट इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। मतलब अगर मान लो अगर एलिप्स ऐसा है, ये माइनर एक्सिस है और ये हमारा हो गया मेजर एक्सिस, ठीक है, अगर ये माइनर एक्सिस और मेजर एक्सिस अगर बराबर हो जाएंगे ना, तो हम कहते हैं कि वो एलिप्स क्या बन जाता है, सर्कल बन जाता है, सर्कल इज अ स्पेशल केस ऑफ एलिप्स। और हमने पढ़ के रखा था ना कि जो टी स्क्वायर था दैट वाज प्रोपोर्शनल टू आर का क्यूब, लेकिन ये कब सर्कल के लिए था, और देखा गया ना अगर हम पढ़ते ना सर्कल के लिए भी तो गलत नहीं पढ़ते, क्योंकि हमारा अप्रोक्सीमेटली वो बात सही है। अगर हम देखें ना, मान लो कि किसी प्लैनेट के लिए मेजर एक्सिस है 12, ठीक है, बड़ी वाली एक्सिस 12 है और छोटी वाली है 10। किसी प्लैनेट के लिए अगर मान लो है ये मेजर एक्सिस है मान लो 20 और माइनर एक्सिस 10, इसका ये बहुत ज्यादा डिविएट कर रहा है सर्कल से, ये सर्कल से इतना डिविएट नहीं कर रहा है ना, 10 और 2 का तो कोई डिफरेंस है, जितना कम ये डिफरेंस होता है ना उतना नजदीक हो जाता है वो सर्कुलर। और अर्थ के लिए अगर ये परसेंटेज देखा जाए ना तो मुश्किल से 7 या 10% का ही है, ज्यादा ज्यादा डिफरेंस नहीं है अर्थ के मेजर और माइनर में, ठीक है। तो अगर हम लोग अर्थ के लिए पढ़ भी लेते हैं ना सर्कल लेकर के, तो कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। और अगर इस लॉ को एक्यूरेटली देखा जाए तो ये कहता है कि स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी माइनर एक्सिस, सेमी मतलब ये पूरा माइनर एक्सिस है छोटा वाला, इसका आधा कर दो, ठीक है, ये कहलाता है 10 का आधा कितना हो गया 5, दिस इज द माइनर एक्सिस। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी, सेमी मतलब माइनर एक्सिस की आधी, फॉर द एलिप्स, फॉर द एलिप्स इन व्हिच द प्लैनेट इज, ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ पीरियड, ठीक है। अब तो लॉज अगर तुम्हारे एग्जाम में लिखने के लिए आते हैं तुम उसको आगे लिख करके आ सकते हो। अब समझना आगे जो लिखा रहा हूं मैं, ये तीनों लॉ, ठीक है, इसका जो प्रूफ है ना, ठीक है, द प्रूफ हम लोग करेंगे नहीं, लेकिन मैं तुमको खाली आइडिया दे देता हूं, प्रूफ ऑफ ऑल द लॉज इज बेस्ड ऑन कंसेप्ट। लेकिन जब मैं तुमको इसके प्रूफ करवाऊंगा ना, ठीक है, मेंस के एडवांस क्लास में, तो वहां पर ये जो कंसेप्ट जो मैं बता रहा, यही कंसेप्ट से स्टार्टिंग करेंगे हम लोग और डिटेल में लेकर के जाएंगे। हालांकि इसके प्रूफ का क्या कहते हैं, काम अगर आएगा ना तो वो एडवांस में ही आता है, ठीक है, मेंस में भी काम नहीं आता। द कंसेप्ट दैट एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट अबाउट सन
रिमेन्स कॉन्स्टेंट। स्पीड देखो, स्पीड घट सकती है, स्पीड बढ़ सकती है, तो एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी घटेगी बढ़ेगी, पास आएगा स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, पास आएगा पोटेंशियल एनर्जी घट जाएगी, ठीक है। लेकिन जो टोटल एनर्जी कभी चेंज नहीं करेगी, और जो एंगुलर मोमेंटम है ना वो भी कभी चेंज नहीं करता, रिमेन्स कॉन्स्टेंट। क्यों नहीं चेंज करता एंगुलर मोमेंटम, उसके पीछे देखो, एंगुलर मोमेंटम मान लो कि यहाँ पे सन है, अगर ये प्लैनेट है, प्लैनेट पे जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है वो इधर लग रहा है, टुवर्ड द सन लग रहा है ना, अट्रैक्टिव फोर्स हमेशा टुवर्ड द सन होगी। अब देखो ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो ग्रेविटी का फोर्स है, ये सन से ही पास हो रहा है, तो एंगुलर मोमेंटम क्या था, याद करो एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला था आर वेक्टर क्रॉस पी वेक्टर। यहाँ पे R क्या था, जैसे कि ये रॉड था, तो हम ये R वेक्टर ये था, P वेक्टर ऐसा था। लेकिन सोचो अगर ये P वेक्टर R वेक्टर की अगर अलोंग हो जाए, ठीक है, तो P वेक्टर अगर सॉरी ये मैं बोला था अगर R क्रॉस P होता है एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, और यहाँ पे अगर हम देखा जाए ना तो इसके आर क्रॉस पी जो हमेशा कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, ठीक है, या आर क्रॉस पी कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग। ये कांस्टेंट क्यों रहता है, इसको समझना, आर क्रॉस पी कांस्टेंट क्यों कांस्टेंट है, एंगुलर मोमेंटम तभी चेंज होता है जब किसी फोर्स की वजह से टॉर्क लगता है उस पॉइंट के। मोमेंटम चेंज करने के पीछे कारण था फोर्स, एंगुलर मोमेंटम चेंज करने के पीछे कारण होता है टॉर्क। अगर हमने देखा कि यहाँ पे फोर्स तो लग रहा है ग्रेविटी, लेकिन इस ग्रेविटी के फोर्स की वजह से टॉर्क कितना लगेगा इस पॉइंट के अबाउट, जीरो, क्योंकि फोर्स तो उसी पॉइंट से पास कर रहा है ना, ऑब्वियस ही बात है फोर्स का परपेंडिकुलर डिस्टेंस उस पॉइंट के अबाउट क्या होगा, जीरो होगा ना, है ना, फोर्स याद कर टॉर्क क्या था, आर क्रॉस एफ था ना, ठीक है, या हम लिखते थे आर एफ साइन थीटा, या एफ आर परपेंडिकुलर, सिंपल भाषा में फोर्स इनटू, सिंपल भाषा में टॉर्क का फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, फ्रॉम दैट पॉइंट जिसके बाद टॉर्क निकालना। यहाँ पर देखो ये पॉइंट है, फोर्स तो यही से पास करिए, इस पॉइंट का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जीरो हो जाएगा, तो क्या होगा, टॉर्क जीरो होगा, तो टॉर्क जीरो होगा तो एंगुलर मोमेंटम कैसा रहेगा, कंजर्व रहेगा, ठीक है। तो ये The proof is based on the concept that angular momentum of the planet around the sun remains constant. This is because torque of force, gravitational force about focus is zero. ठीक है, क्यों आपको समझ आ गया, क्योंकि force उसी point से pass कर रहा है। ये वाले concept भी बताओ, क्वेश्चंस आते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चन भी आते हैं, इसी लाइन तो सबको फटाफट नोट कर दो पहले, क्यों ना तुम लोग को मैं ये रेड वाले को समझाने के लिए तो अच्छे क्वेश्चन करवाता हूँ अभी। तो देखो ये हो गया नोट सबका, स्क्रीनशॉट ले लिया ना इसका, आगे बढ़ते हम लोग। हमने क्या सीखा अभी, करंट के लिए आर क्रॉस P, that is R cross MV, M V vector, M R vector cross V vector कैसा रहेगा, हमेशा constant रहेगा। देख
क्वेश्चन सॉल्व करो इसका। ये एक प्लैनेट मूव कर रहा है इलेक्ट्रिकल पाथ में, यहाँ पे सन है, ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक का आर वन, ठीक है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस आर टू। यहाँ बोला गया है कि वेलोसिटी है जो प्लैनेट की वो वी वन है, यहाँ जो वेलोसिटी है प्लैनेट की वो वी टू है, ठीक है। सन से यहाँ से दूरी कितनी आर वन है, यहाँ से दूरी कितनी आर टू है, ठीक है, प्लैनेट की एक ही प्लैनेट मूव कर रहा है, तो बताना है हमको कि V1 by V2 किसके इक्वल होगा। ऑप्शन है R1 by R2 स्क्वायर के, B R2 by R1 के, C R2 by R1 के स्क्वायर के, D R1 by R2। एक हिंट दे देता हूं, जब प्लैनेट जब एलिप्स पे जब मूव करता है ना, तो हर जगह वेलोसिटी कैसी हो जाएगी, टेंजेंशियल, ठीक है। देखो जब ऐसे मूव करेगा ना, तो हर जगह वेलोसिटी कैसी होगी, टेंजेंशियल, हर जगह कुछ ना कुछ एंगल बनेगा। लेकिन जब यहाँ पर आता है ना नजदीक में, ऐसे वाले केस में, तो वेलोसिटी ऐसी होती है एंगल 90 होता है, यहाँ पर वेलोसिटी ऐसी होगी एंगल 90 होगा। बस ये जो वेलोसिटी वेक्टर और जो आर वेक्टर है ना, हर जगह इनका एंगल क्या कहते हैं वैरी करेगा, ठीक है, 1 degree 2 degree अलग अलग होगा, लेकिन बस यहाँ पर हम एंगल हमको गारंटी पता है कि 90-90 होगा। बाकी तुम कहीं पे भी अगर देखोगे ना, ठीक है, तो हर जगह ये वेलोसिटी वेक्टर का और ये आर वेक्टर का जो एंगल है ना वो वैरी करेगा, वी वेक्टर और आर वेक्टर का एंगल क्या होगा, वैरी करेगा, हर जगह अलग अलग एंगल, ठीक है। चलो बताओ मेरे को, तो मैंने एक हिंट दे दिया है, तो मेरे को सॉल्व करके बताओ। सबको होगा आंसर, ओके, बाकी लोग भी तो आंसर सबको ही, सही है, वेरी गुड, देख लो सिंपल सा। यहाँ पे ऐसे है, मैंने बताया मोमेंटम कंजर्व है ना, तो एम आर वन बी वन, ठीक है, इक्वल टू एम टू, दुर्गा तुमको समझ में कम आया होगा ना, बस ये कि मोमेंटम तुमने पढ़ा नहीं है, कोई नहीं, एम टू आर टू B2. M तो सेम होगा ना दोनों में, MM, और यहाँ पे वेक्टर है, क्रॉस है, तो साइन थीटा आएगा, साइन 90, साइन 90, ये MM कट जाएगा, तो हम ये बोल सकते हैं ना कि V1 by V2 क्या हो जाएगा हमारा, R2 by R1 हो जाएगा, ठीक है, हमें अगर यहाँ पर कहीं पर भी अगर इस तरह से हमको एक पॉइंट दे दे, हमको एक डिस्टेंस दे दे, हमको यहाँ की वेलोसिटी दे दे या निकालने बोल दे, ये हमको ये एंगल पता रहेगा, दे दे मान लो 60 degree 120 degree, हमको यहाँ का पता हो वेलोसिटी, हमको यहाँ वेलोसिटी निकालने बोला जाए, हम इससे निकाल सकते हैं, है ना, by using the concept of angular momentum। अगर Kepler's law के जो सवाल आते हैं ना, अधिकतर वो इस concept पे based होते हैं। इसके बाद फिर उसके बाद मेरे को ये वाले क्वेश्चन में ऐसे मूव कर एलिप्स पे, तीन पॉइंट है, B,
सी यहां पे सन, ए बी सी है, तो बताना अपने को कि पॉइंट ए बी सी हमको दिया गया कि पहला ऑप्शन के ए लेस देन के बी लेस देन के सी, बताओ मेरे को के ए ग्रेटर देन के बी ग्रेटर देन के सी, सबको दिमाग चलाएगा अपना, के बी इज लेस देन के ए लेस देन के सी, ठीक है। बी है के बी बड़ा है के ए से, बड़ा है के सी, ठीक है। कौन सा ऑप्शन सही है? यहाँ पे के स्टैंड फॉर काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, ए फॉर लोकेशन है, बी फॉर लोकेशन, एक ही प्लैनेट घूम रहा है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? सब कुछ हो गया आंसर, ठीक है। एक अच्छे होगा, अच्छे बाकी लोग भी तो आंसर चेक करो, अच्छी देखो फिर से कंसेप्चुअली देखो क्या है, तो बाकी लोग भी सोचो यार। नहीं मैंने अभी बताया कि नहीं सी नहीं होगा, देखो ना प्लैनेट की मैंने अभी क्या बताया था, ए फॉर काइनेटिक एनर्जी है, प्लैनेट की स्पीड सबसे ज्यादा कहाँ पर होगी? जब वो सबसे नजदीक होगा सन पे ना, क्योंकि वेरी गुड ध्रुव, ठीक है, क्योंकि अगर सबसे नजदीक होगा अगर वो, तो उस पे ग्रेविटी का फोर्स कैसा निकालेगा, जी एम वन एम टू, ये फोर्स सबसे ज्यादा अगर होगा, ठीक है, तो एम वी स्क्वायर बाय आर भी अगर हम देखेंगे सबसे नजदीक पे सबसे ज्यादा फोर्स होगा, तो स्पीड भी कैसी होगी, सबसे ज्यादा होगी ना, देखो तो, यानी कि यहां पर क्या प्लैनेट की स्पीड सबसे ज्यादा होती है और यहां पर प्लैनेट की स्पीड कैसी होती है, सबसे कम होती है, तो स्पीड अगर सबसे ज्यादा होगी अगर यहाँ पे, तो ऑब्वियसली बात है सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी कहाँ पे होगी, यहाँ पे होगी ना, तो काइनेटिक एनर्जी एट ए विल बी मैक्सिमम एंड काइनेटिक एनर्जी एट सी विल बी मिनिमम, और बी में क्या होगी, इसके बीच में होगी, है तो देख सकते हो, यहां से देख करके देख लो एम वी स्क्वायर बाय आर, तो देखो ना अगर जी एम इंटू स्मॉल एम, ये एम एम कट जाएगा, आर आर कट जाएगा, तो वी क्या होगा, रूट जी एम बाय आर होगा ना, वेन आर इज मिनिमम दिस वैल्यू विल बी मैक्सिमम, तो वी विल बी मैक्सिमम ना, दैट ए देखो सबसे कम डिस्टेंस है ना, तो वी विल बी मैक्सिमम, आई बात समझ में सबको। अच्छा इसमें ये एक सवाल एक्चुअली आया हुआ नेट में 2018 में आया है, ठीक है, अगर यही सवाल तुम्हारे सामने ट्विस्ट करके पूछा पूछ ले कि भाई यहाँ पोटेंशियल एनर्जी सबसे ज्यादा कहाँ पर हो, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है सबसे ज्यादा होगी सी पर, ठीक है, और सबसे कम होगी ए पर, क्योंकि देखो इसका लॉजिक देखो, टोटल एनर्जी तो सब जगह सेम ही रहेगी, ठीक है, जैसे जैसे पास आएगा ना, यहाँ काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही होगी लेकिन पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, घट रही होगी, तो टोटल एनर्जी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, यहाँ काइनेटिक एनर्जी मैक्स अगर मैक्सिमम है, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कैसी होगी, मिनिमम, और यहाँ पे अगर काइनेटिक एनर्जी मिनिमम है तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी कैसी हो जाएगी, मैक्सिमम, क्योंकि टोटल एनर्जी तो कभी बदल नहीं सकती है, ठीक है। अच्छा बताओ अगर ये प्लैनेट मूव करता है एलिप्टिकल पाथ में, तो इसकी जो टोटल एनर्जी होगी बताओ मेरे को प्लस होगी कि माइनस होगी, ये भी ऐसे इनडायरेक्टली क्वेश्चन पूछा गया,
टोटल एनर्जी जो होगी प्लैनेट की, पॉजिटिव की नेगेटिव, क्या बोलते हैं? वेरी गुड, नेगेटिव है। सर्कुलर पाथ हो या क्या कहते हैं, कोई भी पाथ हो, वो बाउंडेड तो है ना, चिपका हुआ है सन के साथ, ठीक है। तो कोई चीज जब चिपकी भी होती है, अट्रैक्टेड होती है, तो एनर्जी वहां पे कैसी होती है? नेगेटिव होती है, चाहे शेप कोई भी हो, ठीक है। अगर पॉजिटिव एनर्जी देगी तब तो ये उड़ जाएगी, उड़ के निकल जाएगा, ठीक है। तो अब सबको क्लियर हो गई, ठीक है। एक लास्ट क्वेश्चन इसमें पढ़ लो, एलिप्टिकल पाथ है, फटाफट बताना आंसर, एक मिनट में मैं खत्म करके आगे बढ़ूंगा, ठीक है। बोला गया है ये एरिया है, यहाँ पे टाइम लग, सी टू डी जाने में टाइम लगता है टी वन, यहाँ टाइम लग रहा है टी वन, प्लैनेट यहां से यहां जाएगा, और यहां से यहां जाने में टाइम लगता है टी टू, ठीक है। A to B, T1, C to D, T2, ठीक है। और यहां बोला गया ना कि ये जो एरिया है ना, ये एरिया इसका डबल है। ये एरिया मान लो अगर A है, ये वाला एरिया, ये एरिया 2A है, ठीक है, यहां से लेके यहां तक A, S, B का एरिया 2A है, 2X मान लो है, ए यहाँ पे आ रहा है, इसका एरिया कितना एक्स, इसका एरिया कितना 2x, इसका एरिया एक्स। तो बताओ T1 by T2 क्या होगा? ऑप्शन है तुमको सेलेक्ट करना है, T1 equals to 4T2, T1 equals to 2T2, T1 equals to T2, T1 बड़ा है T2 से, तो कौन सा ऑप्शन होगा? A, B, C, D, सबको बताओ। सही है, जो एरिया स्वीप होता है ना, ठीक है, दैट इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। तो यहां पर अभी तुमने खाली बस याद कर जाना कि एरिया इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। इसका अपना प्रूफ हम लोग फिर मोमेंटम से आएगा, ठीक है। एरिया इज प्रोपोर्शनल टू टाइम, ठीक है। यहाँ पे टाइम क्या है, एरिया डबल है, यहाँ पे टी वन क्या हो जाएगा, टी टू का डबल हो जाएगा। तो लोग अभी नेक्स्ट क्लास में नया चैप्टर, आज के लिए काफी इतना बच्चे भी कम मान लिए, नेक्स्ट क्लास में आपको नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल, ये वाला सॉलिड्स के बारे में, ठीक है, डिफॉर्मिंग फोर्स, ठीक है, उसके बाद स्ट्रेस स्ट्रेन, थोड़े आसान आसान चैप्टर्स है, बहुत आसान आसान चैप्टर, आगे के चैप्टर बहुत इजी थे चैप्टर सब, सब चैप्टर जो भी थे सब निकल गए, ठीक है। और देखना तुमको एक चीज़ देखना कि जो तुम्हारे एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें से ग्रेविटेशन से मतलब फर्स्ट चैप्टर से लेकर ग्रेविटेशन तक की हर एक चैप्टर में 70-70 सवाल, और ये आगे के जो चैप्टर है ना, सॉलिड्स हो गया, ये सब से हार्डली बहुत कम क्वेश्चन, ठीक है। तो जो हमने पढ़ा ना चैप्टर में तक वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलो तो मैं अभी क्लास एंड कर देता हूँ। बाय, टेक केयर, बाय सर।